एक ब्लू है, एक व्हाइट है, फिर ब्लू है, फिर व्हाइट है, फिर ब्लू है, फिर व्हाइट है, हाँ तो वो कैसे होता वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। इसमें दो मेथड होते हैं रेंज, हालांकि समझने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा आपको। तो मैं क्या करता हूँ कि 1 गीगा डेटा मैंने कॉपी पेस्ट किया, अभी तक ये डेटा एक रेंज है, ठीक है जी। जब मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा, कंट्रोल टी दबाता हूँ, ओके टेबल ऐड हेडर्स, इसके दो तरीके हैं। कंट्रोल टी दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और या फिर यहां से ओके सिलेक्ट करके फॉर्मेट एज टेबल कर सकते हैं। कहाँ से आपके फॉर्मेट है स्टेबल? ओके ओके ठीक है जी, तो ये इसके फॉर्मेटिंग ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके ओके ठीक है जी, फॉर्मेटेड टेबल में क्या होता है, जब आप डाउन जाते हैं ना डाटा में, अब टेबल जी की अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे मुझे सम लगाना है, यहाँ पे एक रेंज आप देखेंगे आ जाएगी, ऐसे ये बढ़ता चला जाए, ये रेंज अलग से आती है, ड्रैगिंग का नहीं है, ओके पर एक रेंज है। स्टेबल की एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज होती है, जिसको हम आगे उसमें सीखेंगे। ये टेबल वही वाला होता है, आप देखेंगे तो टेबल में डिजाइन वगैरह आ जाता है, तो इसमें बैंड कॉलम बैंड रो के ऑप्शन होते हैं, टोटल के ओके लिए फर्स्ट कॉलम अलग से हाईलाइटेड चाहिए। अभी इसमें कलर भरा हुआ है, इस कारण से ये वो दिखा रहा है। मैं इसको दोनों को, इसके कलर को अगर मैं प्लेन कर लूँ, यहाँ से नन कर दूँ, कंट्रोल कर, यहाँ से नो फिट कर दूँ, तो इस तरह का फॉर्मेट आ रहा है आप जो देख रहे हैं। जी मैं अलग अलग वो भी है, इसी तरह से आता है ना, इसी की बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं ना सर। इसी की बात है, डाटा रेडियो कलर हो जाता है। हाँ अब देखेंगे, जैसे मैं डाउन जा रहा हूँ ना, तो ये ABCD की जगह इसके हेडिंग्स आ जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका पाइवट टेबल में अच्छा खासा यूज है। ओके ठीक है जी, तो दो तरह के डेटा होते हैं, टेबल ओके होता है एक, अपना ये होता है नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है जी, ओके अब बात करते हैं कि जैसे कि हमें कुछ कॉपी पेस्ट में क्या 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 है, अलग अलग चीजें हैं। कई बार क्या होता है कि हमें केवल फॉर्मेट ही कॉपी करना होता है, पूरा फॉर्मेट कॉपी करना होता है, तो मैंने पेस्ट एज वैल्यूज कर लिया यहाँ पे। अब मुझे सारा फॉर्मेट चाहिए, मतलब बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, फॉन्ट भी, फॉन्ट साइज सब सेम चाहिए, तो उस केस में मैं फॉर्मेट्स को पेस्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट करके फॉर्मेट्स कर दिया, तो सारे फॉर्मेट्स आ गए। यहाँ से मैंने कॉलम विड्थ कर दिया, कॉलम विड्थ भी फटाफट से आ गई। ठीक है जी, पर वैल्यू की वैल्यू रही। ठीक ओके है जी, वैल्यू की वैल्यू रही। ओके और इसमें होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कमेंट डाला हुआ है, मैंने कुछ कमेंट डाले हुए हैं, कमेंट वो ओके थोड़ा क्या हुआ कि मैंने बड़े अच्छे अच्छे लंबे लंबे कमेंट डाल दिए, तो क्या है कि कमेंट को दूसरी जगह अगर मुझे लाना है, तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले इसमें जाना पड़ेगा, राइट क्लिक, एडिट कमेंट में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, फिर यहाँ इंसर्ट कमेंट करके तब उसके अंदर डालूंगा। ऐसे ही 12-15 ओके ज्यादा है तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है कि कमेंट भी कॉपी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी पे गया, तो यहाँ जाके पेस्ट स्पेशल में कमेंट्स को डायरेक्टली पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे खाली कमेंट आ गई, ओके कॉपी पेस्ट के मेथड से। एक और चीज हम यूज करते हैं, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के बारे में पता है सर? थोड़ा बहुत पूछना वाला था मैं वहां से, वो डेटा वैलिडेशन से डेट चेंज होती है तो वो रीडेट के नंबर भी फॉर्मेट में आता है। ओके डेटा वैलिडेशन इज बेसिकली आपकी सेल को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए काम आता है, कि जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है कि किसी रूल पे आपके सेल को हाईलाइट करती है, हाईलाइट करती है। ओके ठीक है जी, डेटा वैलिडेशन क्या है कि किसी रूल पे आपके सेल को रिस्ट्रिक्ट करती है, अदर देन उसके एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। ओके
ठीक है जी। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक लिस्ट का फीचर यूज किया है डेटा वैलिडेशन का। इसमें क्या है, मेरे पास एक लिस्ट आ रही है, मैं लिस्ट में से वैल्यू चूज कर सकता हूँ अपनी, बट अगर से बाहर कुछ लिखने की कोशिश करूंगा तो ये इस तरह की एरर दिखाएगा। ठीक है जी। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम डेटा वैलिडेशन को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी कीजिए यहाँ पे, मुझे मान लीजिए सब में यही रिस्ट्रिक्शन पेस्ट करनी है, तो पेस्ट स्पेशल में जाके वैलिडेशन को मैं पेस्ट कर सकता हूँ, तो सब जगह देखूंगा पर जो भी ओके इसी तरह की रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। इसकी डिटेल जानकारी हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में देंगे, डेटा वैलिडेशन जब पढ़ाएंगे। ठीक है जी। क्योंकि एक एक प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, जैसे अभी एरर आई, ठीक है, लिस्ट में से आपने सेलेक्ट नहीं किया था, बट आप यदि दूसरे सेल पे कुछ लिखेंगे, दूसरा सेल कॉपी करके पेस्ट करेंगे वहां पे, तो वो हो जाएगा। हाँ सही बात कह रहे हैं आप, ऐसा हो जाता है, वो तो उसके लिए थोड़ी सी लॉकिंग वॉकिंग लगानी पड़ती है वीबीए के थ्रू। हाँ ओके ओके मतलब और कोई सिलेक्शन ना करे कोई। हाँ देखिए, दो तरह के हैं, एक अगर आप इसकी लिस्ट बॉक्स यूज करते हैं तो कॉपी पेस्ट होगा ही होगा, अगर आप इसको प्रोटेक्टेड बनाते हैं तो प्रोटेक्टेड में क्या होगा कि कॉपी पेस्ट को हम रोक नहीं सकते किसी तरह से, पर इसकी जगह आइटम बेशक यूज कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन की जगह मेरे पास कंट्रोल है कॉम्बो बॉक्स, ठीक है जी। अगर मैंने कहीं कॉम्बो बॉक्स यूज कर दिया, हालांकि इसको सबसे लास्ट में सिखाऊंगा मैं, पर मान लीजिए मैंने कॉम्बो बॉक्स कहीं यूज कर दिया, तो कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल है जिसमें कॉपी पेस्ट तो चलता नहीं है। पर यदि मैं कोई सेल पे वैसे कंट्रोल लगाना है तो नहीं लग पाएगा क्या? सेल पे लगेगा पर कॉपी पेस्ट का खतरा जब भी रहेगा। ठीक है जी। उसको वीवीए से लॉक नहीं किया जा सकता? देखिए, लॉक करेंगे फिर वो एंट्री लॉक हो जाएगी आपकी, एंट्री नहीं करने देगा, क्योंकि वीवीए में क्या होता है, सेल्फ में चेंज होता है वैसे ही, और वो चेंज नेसेसरी है, उसको लॉक करेंगे डेटा वैलिडेशन उसको रोक नहीं पाएगा, कॉपी पेस्ट कर ही देगा। ठीक है जी। तो अगर उसकी जगह ऐसा यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। पर आप यदि आप सपोज आपके पास आई डोंट नो 300 रो है, 400 रो है, 500 रो है, आप ये कॉम्बो बॉक्स हर उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ फिर उसके लिए किया जा सकता है, वैसे सोल्यूशन होगा कोई ना कोई, मैं निकाल दूंगा उसका, क्योंकि ऐसा है कि चीज जब ही बनती है जब उसका जरूरत हो। ठीक है, इन्वेंशन हो सब कुछ सकता है, बीबीए के थ्रू सब कुछ हो सकता है। ठीक है जी। मैं दिखा रहा था कि जैसे हम डेटा वैलिडेशन को पेस्ट कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन है हमारे पास, डेटा वैलिडेशन को पेस्ट कर सकते हैं, एंड इसके बाद चलते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। मान लीजिए मेरे पास ये इसका डेटा है, ठीक है, हर एक बंदे की सेल्स है मेरे पास। अब क्या करना है, ये मैंने कहीं से नोट करके पर्चियों से बनाई थी या किससे, बाद में मुझे कुछ और पर्चियां मिलती हैं और उसमें मुझे पता पड़ा कि कितना मुझे और जोड़ना है इनके अंदर, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए नॉर्मली आप क्या करते होंगे, वैसे मुझे यहाँ वाली जो सेल है जोड़नी है इसके सामने, कैसे करते हैं? इसके क्या क्या किसको जोड़नी है? ये वाली सेल इसमें जोड़नी है, मतलब ये 1252 में होना ऐड करना है। हाँ ऐड करना है। सम को फॉर्मूला वाले डी वाले रो पे लगाएंगे। हाँ ठीक है जी। हम मतलब इसी तरह से प्लस करते हैं इससे, और फिर इसको ड्रैग कर देते हैं, और फिर इसको कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज कर देते हैं, इसी तरीके से करते हैं जी ना। पर जब हमें पेस्ट करना ही है तो हमें इसमें जाने की भी जरूरत नहीं है अलग से फॉर्मूला। अब बस इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे जाइए स्पेशल में जाइए, और यहाँ ऑपरेशन टैब होता है जो कि आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, तो आप कॉपीड वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्टेड डेटा में पेस्ट करना चाहते हैं वहां आप ऐड भी कर सकते हैं इसको। हाँ ओके ओके ये ऐड हो गया। ठीक है जी। हाँ ओके ओके अब ऐड तो हो गया, बट हम चाहते हैं कि रिप्लेस होना चाहिए। मान लीजिए एक्चुअल सेल ही है ये, अब रिप्लेसमेंट इसमें क्या करेंगे कि जहां वैल्यू हो वहां पे ये आ जाए, यहाँ ब्लैंक को वहां पूरा 76 की जगह 12 हो जाए ऐसा। हाँ ओके इसके लिए क्या करेंगे बताइए।
उसको पूरा का पूरा कॉपी कर पेस्ट कर देंगे सी सेल को डीबी में। देखिए पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होता है, ठीक है जी, जी ये तो चलेगा नहीं। अच्छा, ये ओके ओके। 68 जो 62 है उसको वही रहने देना है सर, हाँ क्योंकि ब्लैंक कॉलर नहीं डेटा होना। आपके पास हजारों में है ऐसा डेटा, तब क्या करेंगे? ओके ओके। तो इसके लिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, जिनके फॉर्मूले अच्छे हैं वो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बना देंगे कि ये अगर ब्लैंक है तो ये वाली वैल्यू ले लें, अदरवाइज ये वाली वैल्यू ले लें, इस तरह से फॉर्मूला बना देंगे, ठीक है जी। इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपका तकरीबन सही काम करेगा, ठीक है जी, कॉपी करके पेस्टेड वैल्यू मोस्टली ये करते हैं। पर इसका सोल्यूशन ओके स्पेशल में भी है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। आपने देखा था कि जब मैंने पेस्ट किया था तो क्या हुआ था, ब्लैंक सेल जो थे वो भी पेस्ट हो गए थे उसके ऊपर। आप चाहते हैं कि ब्लैंक सेल पेस्ट ना हो, ऐसा कोई जुगाड़ मिल जाए तो जरूरत ही नहीं किसी चीज की। पेस्ट स्पेशल में ऐसा होता है, स्किप ब्लैंक्स कर देंगे तो ये जो ब्लैंक है वो स्किप हो जाएगी, ठीक है, हो गया रिप्लेसमेंट। तो जिस तरह से हमने ऐड किया था उसी तरह से हम मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे एक उसका एनवायरनमेंट लेते हैं कि सेल्स और टारगेट अचीवमेंट की परसेंटेज निकालनी है हमने, उसमें मैन्युअली क्या लगाते हैं हम लोग, इक्वल टू करके ये लिया डिवाइड बाय टारगेट ले लिया, टारगेट को भी फिक्स करना पड़ेगा ताकि वो ड्रैग करने पे चेंज ना हो, तो डिवाइड किया, बाकी यहां से परसेंटेज पे क्लिक किया तो परसेंटेज में आ गया मेरा अचीवमेंट परसेंटेज, ठीक है। पर आप पेस्ट स्पेशल के तरीके से भी कर सकते हैं, आप उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए पहला काम, देन 200 को अगर इसमें से डिवाइड कर दो तो काम हो जाएगा। तो कॉपी किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल में गया, डिवाइड कर दिया, ठीक है जी, और देन परसेंटेज, सेम आपका काम हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए प्रैक्टिकली देखते हैं तो टारगेट सबका अलग अलग होता है, किसी कंपनी में एक ही टारगेट का अलग अलग टारगेट होता है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में भी सेम चीज ही आपकी चलेगी। आप इसको बस सिलेक्ट करेंगे पूरा, और यहाँ सिलेक्ट करेंगे पेस्ट स्पेशल और डिवाइड डिवाइड कर देंगे। और परसेंटेज। अब क्या हुआ, ये अपने सामने सामने वाली सेल से डिवाइड हुआ है, ओके। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ 10 सेल सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी 10 ही होनी चाहिए, तभी सही काम करेगा, नहीं तो उल्टा सीधा चला देगा, ठीक है जी। वैल्यू जो है समानांतर होनी चाहिए, कॉमन रेशियो में, ठीक ओके। है जी। सपोज केवल 2% है, 2% मतलब, हाँ ठीक है। नहीं, वैसा केस नहीं बन सकता कभी। हाँ जी, नहीं, वैसा केस नहीं बन सकता। मैंने बोला टारगेट सपोज केवल 2 ही है। अभी टारगेट जब आप कॉलम डी में देखेंगे तो अच्छा टारगेट 200 है और सपोज 300 होता तो प्रॉपर वैसा केस नहीं बन सकता मेरे ख्याल से। नहीं 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 वही चलेगा वो टू आपका, हंड्रेड भी है और 300 भी है। नेक्स्ट रो नेक्स्ट सपोज D3 में 200 है, सेल D3 में, D3 D3 में 200 है, 200 हाँ है। D3 अभी अभी ब्लैंक है। 3 में 200, 300 मान लीजिए अब। 300, और ऐसा 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 केस नहीं बन सकता ना कि आप इन दोनों को आप कॉपी करके तो इस यहाँ पे डिवाइड नहीं पे। बनता ना उनका, ओके ओके। हाँ ऐसा केस नहीं बन सकता। ऐसा केस बनता ही नहीं। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने ले ली 3 दिन की सेल, ओके 3 दिन का ही डिफरेंट डिफरेंट टारगेट है, तो अचीवमेंट ओके। परसेंटेज कैसे निकलेगी, वो भी सेम मेथड से निकलेगी जो मैंने पेस्ट कर दिया था। टारगेट यहाँ से कॉपी किया और यहाँ सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल में गया और डिवाइड। तो अब क्या हुआ, हर एक चीज अपने, हर एक वैल्यू अपने रिलेटेड वैल्यू से
डिवाइड हुई है, ओके 347 से 21, 213 से 37, 230 से, इसी तरह 152 जो है 62 से, तो ये अपने बराबर बराबर समानांतर होनी चाहिए, मतलब कॉमन रेशो में। ठीक है, एक और देखते हैं इसका एग्जांपल कि कई बार मान लीजिए अब इनकी सेल मैंने ईयरली निकाल ली, तो ईयरली निकली 6 करोड़, मुझे चाहिए वैल्यू इन करोड़, वैल्यू इन करोड़ के मतलब 6,50,00,000 है तो 6.5 दिखाना चाहिए, 6.5 करोड़। ओके, तो उसमें जो डिवाइड का ये खेल होता है सारा, कॉपी करेंगे इसको सिलेक्ट करके और डिवाइड कर लेंगे, पेस्ट स्पेशल से डिवाइड। इसमें आप ये डेसिमल पोजीशन सेट कर सकते हैं ऊपर से, इन दोनों से कम ज्यादा कर सकते हैं कि 3 तक चाहिए 2 तक चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ तो इसने कर दिया। ठीक है, एक केस हो गया ये। दूसरा केस हो गया कि हर बार हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो एक ही बार करता है काम, एक ही बार करता है, फिर बाद में रिलेटेड तो रहता नहीं। मान लीजिए यहाँ कुछ फॉर्मूले हैं, सम लगा रखे हैं मैंने टोटल। ठीक है जी, अब टोटल सबका ले रखा है मैंने, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही रहने दो, जो टोटल है वो दिखा दो खाली। बट टोटल के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये है फॉर्मूला में। ठीक है जी, फॉर्मूला में है, यानी कि यहाँ वैल्यू अगर चेंज हो तो यहाँ भी चेंज होनी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हर एक फॉर्मूला के आगे डिवाइड बाय 1 करोड़ लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है जी, अभी कुछ नहीं हो सकता ना। नहीं, मान लीजिए आपके साथ ऐसी 15-20 शीटें हैं और सबकी टोटल उठा के आपने समरी बनाई, तो उस में भी एक चीज हो सकती है, इसमें कॉपी कर सकते हैं, सिलेक्ट कीजिए फॉर्मूला को, पेज स्पेशल में जाइए, सेम मेथड डिवाइड, फॉर्मूला के केस में क्या करता है ये आपका काम कर देगा। ठीक है, डिवाइड बाय 1 करोड़ अपने आप पेज को सबके आगे फॉर्मूला। ठीक है जी, तो इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, हर तरह से यूज कर सकते हैं, या आपको कुछ ना सूझे तो स्पेशल आपको बहुत मदद कर। ठीक है जी, ओके। ट्रांसपोज के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, मान लीजिए क्या कहते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए बोले क्या? हाँ, रो को कॉलम, कॉलम को रो, ट्रांसपोज। ठीक है जी, ओके, आपको बताइए कॉलम टू रो। अब बात करते हैं लिंकिंग की, लिंकिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लिखा हमने, यहाँ डेट को सिलेक्ट कर लिया मान लीजिए, इसमें लिंक करना है, तो क्या है कि उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे दिखा देगी, इसको मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब इसमें फटाफट से मैं क्या कर लूंगा, फॉर्मेट पेस्ट कर दूंगा, फॉर्मेट पेस्ट कर दिए मैंने, कॉलम विड्थ। ये फॉर्मेट पेस्ट करने का कोई वो नहीं है क्या, शॉर्टकट? फॉर्मेट पे इंटर है, शॉर्टकट में आपको कल, हाँ ये इसका इसका इसकी कोई शॉर्टकट बटन नहीं है क्या? शॉर्टकट में आपको कल दिखाऊंगा इसके कि क्या शॉर्टकट होते हैं। ठीक है, कल सारे शॉर्टकट के बारे में डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट एंड कट। ओके, तो ये क्या हो गया, वैल्यू लिंक्ड हो गई। लिंक्ड का मतलब है कि यहाँ पे जब आप चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी चेंज दिखा रहा है। ठीक है जी, आपने मैंने बताया कि आजकल डैशबोर्ड ज्यादा चलते हैं, डैशबोर्ड में क्या होता है कि आपको थोड़ी जगह में ज्यादा घंटा दिखाना है, इतनी जगह आपके पास बची है और आपको ये घंटा दिखाना है, में कैसे पॉसिबल है कि इसको दिखा दे, क्योंकि एक्सेल में जानते हैं कि इसको कॉलम को छोड़ूंगा, बड़ा छोटा करूंगा तो नीचे वाला डेटा इफेक्टेड होगा। इस केस में क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ डालना है मैंने, यहाँ पेस्ट के इस बटन में चले जाएंगे, एरो में नीचे चले जाएंगे, एड पिक्चर, पेस्ट एज पिक्चर। ठीक है जी, अब पेस्ट एज पिक्चर में पिक्चर क्या है, छोटी बड़ी हो सकती है, सेट कर सकते हैं अपने आप से।
इसको आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फटाफट डेटा लेके लगाना है तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको करने से कॉलम भी नहीं इफेक्ट होते। बट अगर हम बात करें कि इसका जो है डैशबोर्ड से क्या लेना देना, क्योंकि डैशबोर्ड में तो डायनेमिक अपडेशन चाहिए, चेंज होता है मतलब यहाँ पे चेंज हो रहा है तो डैशबोर्ड में भी ऑटोमेटिक सॉरी यहाँ जो पिक्चर में भी चेंज हो रहा हो तो हाँ, तो हमें कुछ ऐसी अब ये पिक्चर जो है बड़ी छोटी हो सकती है, आपने okay. कि अगर कहीं भी चेंज करेंगे तो इसमें चेंज भी दिखा देगा। अगर इसका आप कलर भी चेंज करते हैं ना तो कलर भी चेंजिंग दिखाता है, ठीक है जी। ओके ओके, ये पिक्चर तो गारंटेड है आपने नहीं देखी होगी। हाँ जी कह रहा हूँ, ये पिक्चर गारंटेड है आपने इस तरह की नहीं देखी होगी। पहली बार तो यही है हमारा सर एडवांस टेस्ट स्पेशल का टॉपिक। आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, जैसे आप शेप्स वगैरह इंसर्ट करते हैं ना, शेप ये मान लीजिए शेप्स है, यहाँ कुछ लिखते हैं, कुछ भी लिखते okay. हैं, इनको भी लिंक किया जा सकता है। ओके मान लीजिए मुझे इसे इससे लिंक करना है, ठीक है जी। ओके हाँ, इसको सिलेक्ट करने में ये फॉर्मूला का बटन है, बाहर है फॉर्मूला, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे और इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब मैं जब कुछ भी यहाँ लिखूंगा वो यहाँ पे दिखा रहे, ठीक है जी। फॉर्मूला के जरिए तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, कोई भी फॉर्मेट अप्लाई कर, मतलब डायनेमिक बैनर्स आपके चलेंगे। ओके और इसको आपने क्या मर्ज किया है जी? ये मर्ज है। ओके ओके ओके, मर्ज करके कलर मार रहा है। नहीं नहीं, वो अनमर्ज भी चलेगा आपका, मैं अनमर्ज कर देता हूँ। अनमर्ज कर दिया, ये सिर्फ F1 ही लिंक है, इसमें क्लिक करेंगे तो F1 लिंक है ना, यहाँ जो लिखेंगे वो आपको दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके और फॉर्मूला आपने ये इस पे डाला है जो क्या कहते हैं, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे। ओके 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 ओके, ये लिंक हो जाते हैं आप, क्योंकि शेप्स के साथ क्या होता है कि आप कैसा भी उसको सुंदर बना के रख सकते हैं। तो बैनर दिखा सकते हैं बाद में, आगे ये भी बताऊंगा कि मैं बटन की तरह कैसे यूज करता हूं, बटन की तरह भी यूज। ओके तो आज की क्लास कंप्लीट हुई, जिसके अंदर हमने पढ़ा पेस्ट इंस्पेक्शन के बारे में, ठीक है जी। यदि कुछ पार्ट रिकॉर्डेड ना हो, इसमें हो सकता है कुछ पार्ट रिकॉर्ड ना हुआ, तो आप चेक कर लीजिए, अगर चाहिए तो मैं फ्लैश रिकॉर्डिंग दे दूंगा, क्योंकि पेस्ट स्पेशल की मेरे पास दुनिया भर की, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा, हो सके तो एक्सेल शीट भी भेज दीजिएगा जिस पे काम कर रहे थे आप। अच्छा, ये भी भेज दूंगा मैं, नहीं मेरे को मतलब, हाँ मैं दोपहर में एक बार और ऑफिस में बैठे बैठे देख लूंगा तो और आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी।